नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी विषय का सेतु अभ्यास दसवीं कक्षा सन 2021-2022 के दूसरे दिन में आप सभी का सहर्ष स्वागत। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम जो क्षेत्र और घटक उपघटक देखने वाले हैं कुल 45 दिन में, तो उसका जो आराखड़ा है वह आज हम देखने वाले हैं। जैसे पहले दिन हमने पद्याकलन, दूसरे दिन लेखन में ही हम लेखन क्षेत्र में पद्याकलन और तीसरे दिन श्रवण में संवाद लेखन पर ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले हैं। तो चौथे दिन हम लेखन में अभिव्यक्ति लेखन, सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन, पहलिया लेखन, अभिव्यक्ति लेखन जैसे साक्षात्कार, भाषण यानी नाट्यावलोकन, अभिव्यक्ति लेखन, सृजनात्मक लेखन, ऐसे कुल 14 दिनों तक आधारित कसौटी 15वें दिन हम देने वाले हैं और 16वें दिन से लगातार और 30 दिन तक हम और ब्रिज कोर्स का यही निरंतर कोर्स चलने वाला है। तो पद्यावलोकन, अभिव्यक्ति लेखन, सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन, संवाद लेखन, अभिव्यक्ति लेखन, पठन में, लेखन में जो जो क्षमताएं हैं हम उसमें उस पर चर्चा करने वाले हैं। श्रवण भाषण में कुछ आकलन विधि, अभिव्यक्ति लेखन में, सृजनात्मक लेखन में, भाषण में, ऐसे हम कुल 30 दिनों तक करने वाले हैं और 30वें दिन हम एक कसौटी लिखने वाले हैं। तो वह 16 से 29 दिनों पर आधारित होगी। उसके बाद में 31 से 44 तक जो ऑनलाइन लेक्चर होने वाले हैं ब्रिज कोर्स पर, उसका दर्दिन होने वाला जो लेक्चर है उस पर 45वें दिन यानी 31 से 44 दिनों पर आधारित कसौटी यानी टेस्ट उस दिन होने वाली है। ऐसी इस ब्रिज कोर्स में कुल 3 टेस्ट होने वाली है। कुल क्षेत्र पर जो क्षेत्र है मनोरंजक तरीके से हम इस ब्रिज कोर्स को लेने वाले हैं। कुछ इसमें कठिनाई नहीं है विद्यार्थी मित्रों, कुछ डरने वाली जैसी बात नहीं है। जो जो अपेक्षित कौशल है वह प्राप्त करने हेतु और हमने जो 9वीं कक्षा में कोरोना के समय जो जो क्षेत्र में हम पूरा नहीं कर सके, उसे हम इस 45 दिन में उसे हासिल करने का एक अच्छा प्रयास करने वाले हैं। जैसे श्रवण, पठन, लेखन, भाषण, इस क्षेत्र में जो जो कौशल है वह कौशल हम हस्तगत करने वाले हैं। इसीलिए अपेक्षित कौशल संकल्पना पद्य पर है। छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, जैसे छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आओ हम पता करेंगे क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम समझ लेंगे कि एक छात्रों का गुट लेके विचार विमर्श करने वाले हैं। उस पर चारु चंद्र की चंचल किरणें जल थल में खेल रही है, अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखिए इस जो पंक्तियां हैं कुल काव्य की, उस पंक्तियों के आधार पर हमें सिर्फ यह गाना है, समझ लेना है गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। जैसे यह जो पहला है यह गद्य है और यह पद्य है,
देखिए दोनों में क्या फर्क है, पद्य किसे कहते हैं और गद्य किसे कहते हैं, यह हमें जानना है। जानिए भला, देखिए आप सभी कि पहली जो यही दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यह गद्य विधा है और यह पद्य विधा है, यही हमारे समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, ये कुछ पंक्तियां दी है, मेहनत करो जिंदगी की झोली खुशियों से भरो, मेहनत करो भागती जिंदगी के साथ चल, मेहनत करो मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है। मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के रहस्य सो में दोस्ती करना है। यह हमने काव्य पंक्ति का पठन किया है, उस पर कुछ कृति यहां पर दी है। इस कृति को जो हमने लिखना है वही में स्वाध्याय पुस्तिका में लिखना है, जो 200 पेज की हमें बनानी है ब्रिज कोर्स के लिए, उसमें हमें इसका पूरा लिखना है। कविता में किसका महत्व बताया गया है उसके सामने उस कविता में दिया है कि कविता में किसका महत्व बताया गया है, मेहनत का। आगे लिखना है मेहनत, मेहनत करना, इसके साथ चलना है, किसके साथ चलना है, इसमें देखना है और वह पूरा करना है। मेहनत करे किसके साथ, भागती जिंदगी के साथ चलना है। यानी मेहनत करने से प्रेम क्या होता है, प्रेम यह सब उसका जो उत्तर है इसमें ढूंढो और लिखने की आदत डालो। और जो अभिव्यक्ति लेखन है नीचे, मेहनत इंसान की पूजा होती है, इस विचार पर अपने विचार 3 से 4 पंक्ति में आपको लिखने हैं। ये आपको कृति अपनी स्वाध्याय पुस्तिका स्वाध्याय वही में पूरी करनी है। चलो आगे देखिए, आगे दी है कुछ पंक्तियां चुनकर, पद्य को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, सरल अर्थ क्या है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू, तू तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, बात बेबात कोई चुभने लगे बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ने वाणी कैसी होनी चाहिए, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, इस पर इस कविता के सरल अर्थ में लिखकर नीचे जो कृति दी है उस पर लिखना है कि कांटे बोने वाले कौन है, चुभने वाली क्या है, फटने वाले क्या है, मधु इसके अर्थ लिखने हैं हमें। मधु यानी गोड़, विचार यानी मत अभिप्राय, कड़वे यानी सच्चे, आवश्यकता यानी जरूरत, यही उसके सामने लिखना है। और जो तीसरी कृति दी है, वाणी में शहद घोलना खोलना सीख लीजिए, यानी मिठास होनी चाहिए। शहद यानी क्या, जो मिठास है वह होनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, यानी सरल अर्थ लिखना है। तो 3 से 4 पंक्तियों में लिखो, अपने वही में नोट करिए, और उसके बाद यह एक लिखना है कि मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन कीजिए, या मधुर की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस कथन पर अपने विचार लिखना है। यानी पूरक साहित्य स्रोत जो है उसमें कथा कक्षा जो 8वीं है उस हिंदी पाठ्य पुस्तक से जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, अनमोल वाणी, इन कविताओं का तथा जीप का वर्चस्व, इस लघु कथा का पठन आपको करना है और यही कृति पूरी करनी है। तो आप सभी ने
इस ऑनलाइन लेक्चर ब्रिज कोर्स डे टू पर। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।